नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक तालुक्यातील मनसर कांद्री येथील मयाल खान संकुलात राष्ट्रीय आदिवासी परिषद व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंग कुलस्ते यांचा सत्कार आयोजित करण्यात आला होता. यात महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व छत्तीसगड येथील आदिवासी समाजातील लोक सहभागी झाले होते. बिरसा मुंडा विराट इंडियाच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात भगवान बिरसा मुंडा यांच्या प्रतिमेचे पूजन व पुष्पहार केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंग कुलस्ते यांच्या हस्ते करण्यात आला. त्यानंतर आयोजन समितीच्या वतीने पायी मिरवणूक काढण्यात आली. यामध्ये केंद्रीय मंत्री मोदयासह आयोजन समितीचे अधिकारी उपस्थित होते. मिरवणुकीचा समारोप मॉयल खान संकुलातील सभास्थळी झाला, ज्यात कार्यक्रमात वक्त्यांनी भाषणे केली. हम तो सब समाज के बीच में काम करने के लिए, सबको एक साथ जोड़ने के लिए आए हैं. और ये भगवान बिरसा मुंडा जी का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमेशा हम लोग 15 नवंबर को मनाते हैं. पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले समय राष्ट्रीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला भारत के अंदर किया है. ये इससे बड़ा सम्मान और कुछ भी नहीं. और इसलिए इस पूरे अभियान को पूरे देश भर में हम सब आदिवासी लोग मिलकर के चलाते हैं. और इसी प्रकार से किसी न किसी बहाने हम सब लोग मिलते हैं, एक दूसरे से संपर्क होता है और इस पूरे समाज को एक करने का प्रयास होता है. यही उद्देश्य हमारा है. इस कार्यक्रम का आयोजन मूल समाज आदिवासी समाज के ऊपर आज तक जो अत्याचार हो रहे हैं इसको शासन के सामने लाना, आप लोगों के माध्यम से प्रधानमंत्री के पास ये मैसेज जाना चाहिए. ये कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है कि कोलों का भविष्य उज्जवल हो, कोल को एक साथ हो, सरकार की नजर हम पे पड़े